तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं माय गर्लफ्रेंड्स डेविल के एपिसोड नंबर 130 को। द टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चले स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है आसमान के सीन से। यहाँ पर कई सारी स्पेसशिप हमें दिखाई जाती हैं जो कि काफ़ी बड़ी तादाद मात्रा में वहाँ पर निकल रही होती है। और जो सभी के सभी जो शिप होती है वो नाइट पेट्रोल डिवीजन की होती है और उसकी जो सिस्टर होती है सिस्टर मेन, वह लेन को बता रही होती है कि लेन हम लोग यंग आइलैंड में जल्दी पहुंचने वाले हैं अपनी फुल फोर्स के साथ, तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। और उसके साथ जो कैप्टन जुनजी होती है वह भी आ रही है और दोनों की जो पावर होती है वो एस लेवल पर मीडियम पर होती है। और वह लेन को इन्फॉर्मेशन देते हुए कह रही होती है कि इस बार सिर्फ नाइट पेट्रोल डिवीजन की टीम ही नहीं आ रही है बल्कि वहाँ की जो मिलिट्री फोर्स है दिक्सिया की, वह पूरी की पूरी भेज दी चुकी है यंग आइलैंड में। तुम्हारी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी टीम के कारण ही यहाँ के जो बैटल फील्ड है वो ओपन हो चुकी है जिसके कारण हमारी पूरी की पूरी आर्मी वहाँ पर इजीली जा सकती है। और लिन इतनी ज़्यादा तारीफ सुनने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है और बोलने लगता है ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं था और वैसे भी मैं यहाँ पर आया था इसलिए कुछ नहीं। तभी हमें लिन की वैन को दिखाया जाता है जो कि सड़क पर चल रही है और वह होंगे को बताता है कि जो मेरी सिस्टर और कैप्टन जुनजी है वह अपनी आर्मी लेकर जल्दी ही दांगजी पर पहुँच जाएंगी, तो अब हमें वहीं पर जाना है जितना जल्दी हो सके। तभी जो होंगे होती है वो लिन से कहने लगती है एक बार हम उन्हें ज्वाइन कर ले तो हम जो यांगजी की जितनी भी सेना है जितनी भी गोस्त है हम इन्हें आसानी से निपटा सकते हैं और सब कमीने अंडरवर्ल्ड के लोगों को भी। और लिन को एक जोरदार चुम्मा देती है, उदाहरण देती पक्का वाला चुम्मा देती है और उसे मोह लगती है ये सब हो रहा है लिन के कारण। तभी लिन होंगे से कह लगता है तुम ऐसा कहने जरूरत नहीं है, अकेले मेरे कारण ये सब नहीं हो रहा है, ये सब हो रहा है क्योंकि सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, चलो चलते हैं। तभी होंगे उसे कह लगती है चलो हनीमून पर चलते हैं एक बार ये बोर खत्म हो जाए तब, वैसे तो रोजा ही होता है इनका हनीमून तो, लेकिन अब कहाँ जाओगे भाई और क्या मतलब क्या भाई इनके शौक ही नवाबी है यार। हमें वापस से इशिमा श्राइन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर पूरी की पूरी बिल्डिंग बहुत डरावनी दिख रही है जहाँ जहाँ यांगजी को दिखाया जाता है बिल्कुल वैम्पायर जैसा दिख रहा होता है नाइटमेयर गोस्ट किंग एस क्लास मीडियम पावर का यांगजी। तभी हमें अंडरवर्ल्ड के बॉस को दिखाया जाता है डीमन गॉड थियोन को, वो यांगजी से कहने लगता है तुम्हें इतना ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, जो ह्यूमन सोसाइटी है उन्हें करप्ट करने का जो काम है अभी भी तुम्हें करना है। और यांगजी डीमन गॉड के क्लोन से कहने लगता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इतनी ज़्यादा पावरफुल पावर दी है जिसके कारण मैं अब मेलिन को इजिली हरा सकता हूँ। जो डीमन गॉड है वो वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और भरोसा करने लायक हैं। तभी वह अपनी पावर समनिंग जैसा पता नहीं कुछ टेलीपोर्टेशन जैसा एक्टिवेट करने लगता है और वो लगता है अच्छा है तुमने बिल्कुल सही समझा है, लेकिन अब समय आ चुका है कि हम तुम्हें वेस्टर्न कंट्री में भेज दें। वेस्टर्न कंट्री का जो इलाका है वो हमारे गोब्लिन भाइयों के द्वारा संभाला जा रहा है, मतलब चेले मतलब कह सकते हैं सबॉर्डिनेट, हाँ गोब्लिन सबॉर्डिनेट के द्वारा संभाला जा रहा है हमारा वेस्टर्न कंट्री का इलाका, तो मैं तुम्हें वहीं पर भेजने वाला हूँ क्योंकि वहाँ पर जो ह्यूमंस हैं वो धीरे धीरे करके गोब्लिन्स पर अटैक किए जा रहे हैं जिसके कारण जो गोब्लिन्स की संख्या है वो कम होती जा रही है और मैं उनकी सपोर्ट मतलब उनकी मदद करने के लिए तुम्हें वहाँ पर भेज रहा हूँ। और यांगजी सुनने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है और बोल लगता है मेरी जो बॉडी है वो पूरी की पूरी रिकवर हो चुकी है और मेरी पावर है वो एस लेवल तक पहुँच चुकी है। और उस डीमन गॉड से कहने लगता है मैं वेस्टर्न कंट्री में जाने से पहले लिन से फाइट करना चाहता हूँ और लिन को पकड़ कर उसके चूरमा करना चाहता हूँ और अपना बदला लेना चाहता हूँ। जिसको सुनने के बाद वो अंडरवर्ल्ड का बॉस होता है डीमन गॉड क्लोन मतलब क्लोन होता है, वो जोरों जोरों से हंसना चालू कर देता है और उससे बोलने लगता है तुम्हें इतना ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही हानवी और राक्षा को वहाँ पर भेज दिया है, एक बार लिन उनसे मिल जाएगा तो लिन पक्का वहाँ पर मारा जाएगा। तभी अचानक से वहाँ से भागता हुआ उसका चेला आता है और बोलने लगता है डीमन गार्ड और उन दोनों को बताता है कि राक्षसा और जो हानवी थी वे दोनों के दोनों मारे जा चुके हैं। ये सुनने के बाद जो डीमन गॉड का क्लोन होता है उसका मुंह सूख कर रहा है उसके जैसा होता है चंपती जैसा, बिल्कुल इतनी हंसी आ रही ना मैं रोक नहीं पा रहा ये मुंह देखने के बाद तो, और खास कर यांगजी का इसका ठिकाना नहीं रहता, होश उड़ जाते हैं पूरे के पूरे और बोलते हैं ये तो पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल कैसे हो सकता है, कैसे हरा सकते हैं उन एस लेवल मीडियम पावर वाले बंदों को। और ये सुनने के बाद तो जो डीमन गॉड होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलने लगता है क्या तुम सच बोल रहे हो, मेरे जो दो एट गोस्ट ग्रेट गोस्ट किंग थे वो हार गए, ऐसा इम्पॉसिबल है, जब तक दिक्सिया की तरफ से कोई पावरफुल मैन उन्हें बचाने के लिए नहीं आता तब तक यह बिल्कुल ठीक है, हमें उनसे ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। तभी उसका जो सबॉर्डिनेट है वो इसे ये भी बताता है कि जो दिक्सिया की आर्मी है गवर्नमेंट है उन्होंने एस लेवल के और ए लेवल के बंदों को भेजा है यहाँ पर लिन की टीम को सपोर्ट करने के लिए।
और डिमन गॉड इतना खुश बोलने के बाद खुश होता है, और तभी अचानक से जैसे ही न्यूज़ सुनता है ना तो वो बहुत ज्यादा भड़क जाता है और अपने सबॉर्डिनेट को मार देता है और बोले लगता है तुम कमीने कहीं कि एक ही बार में मुझे कोई अच्छी न्यूज़ नहीं सुना सकते क्या, तब देखो तब बुरी न्यूज़ सुनाने में लगे हो। तभी यांग यू उससे कह लगता है डिमन गॉड अब हमें क्या करना चाहिए। तभी डिमन गॉड उससे बोले लगता है हमने अपने जितने भी रिसोर्सेज थे वो इस यांग आइलैंड पर सारे के सारे इस्तेमाल कर लिए हैं इस पर कब्जा करने के लिए। तब जो यांग यू होता है वो डिमन लॉर्ड से कह लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम जितनी अपनी सारी आर्मी इकट्ठी कर दिख दिया कि ये सोल्जर्स हैं उनसे मिलकर फाइट करें। तभी जो डिमन लॉर्ड होता है वो यांग यू से कह लगता है तुम्हें अपना बदला लेने के लिए इतना जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, रिवेंज आज लो या कल लो बात एक ही है। तभी यांग यू उससे कह लगता है अच्छा तो अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अभी भी लिन से फाइट करना है। तभी जो यांग यू होता है वो डिमन लॉर्ड से कह लगता है मुझ पर और नहीं जला जाता, मैं जाता हूँ और लिन और लिन की पार्टी को वही खुद अपनी पावर से ही खत्म कर आता हूँ, हम वेस्टर्न कंट्री में बाद में भी जा सकते हैं। और दूसरे मन में सोचते बोल लगता है अगर हम वेस्टर्न कंट्री को इसलिए जीत जाते तो हमारी जो स्ट्रेंथ है वो पहले के मुकाबले में और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन पहले उससे पहले मुझे लिन से निपटना है। और दूसरे हमें दिखाया जाता है जो दिक्सिया की आर्मी है नाइट पेट्रोल डिवीजन की पूरी टीम वहाँ पर फाइट करने के लिए घोष से पहुँच जाती है और सब जितने भी सबॉर्डिनेट होते हैं जितने भी बंदे होते हैं वो सब एक साथ अटैक करना चालू कर देते हैं और जितने भी घोष होते हैं वो लाइन से उन्हें मारना चालू कर देते हैं पूरी टीम। और जितने भी घोष वहाँ पर मर रहे होते हैं वो चिल्लाते कह लगते हैं जो दिक्सिया की आर्मी है वो यहाँ पर आ चुकी है सभी लोग बचो, और उनकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि एक भी गोश्त उनके सामने टिक नहीं पा रहा होता है और घबराने लगते हैं सभी गोश्त और बोले लगते हैं आखिरकार ये किस तरीके की पावर है, ये तो हमें चुटकियों में निपटा रहे हैं बे। और वहाँ की जो नॉर्मल पीपल होते हैं जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो दिक्सिया की आर्मी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बोले लगते हैं आखिरकार दिक्सिया की जो आर्मी है वो हमें बचाने के लिए यहाँ पर आ चुकी है और सभी के सभी यांग लाइन के गोश्त को निपटाने के लिए आ गई है। अब जबकि दिक्सिया की आर्मी यहाँ पर पहुँच चुकी है तो ये यंग आयलैंड के जितने भी लोग हैं वो गोश्त से नहीं डरते हैं और अपना अपना वेपन उठाकर गोश्त को मारना चालू कर देते हैं और काफ़ी सभी लोग खुशी मनाने लगते हैं कि जो यंग आयलैंड है वो अब बच चुका है और बोलते हैं हम भी मिलकर दिक्सिया की आर्मी के साथ फाइट करेंगे और सभी के सभी लड़ना चालू कर देते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सिस्टर मेन अपने पैंथर पर बैठकर आराम से आ रही होती हैं और तभी बोलती है सभी के सभी लोग मिलकर दिक्सिया के आर्मी के साथ मिलकर सभी गोश्त को निपटा दो। और जो कैप्टन यूनजी होती है वो बोलती है कि यहाँ पर जितने लोगों की फाइटिंग स्पिरिट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और सिस्टर मैन यूनजी से कहने लगती है जो यांग आइलैंड के जितने भी लोग हैं वह लोग सभी मिलकर हमारे साथ फाइट कर रहे हैं उन गोश्त से, और जिन लोगों ने अभी क्राइम कमिट नहीं किया है उन्हें दिक्सिया में दिक्सिया में रहने का मौका मिलेगा और उन्हें कोई सजा भी नहीं मिलेगी। और यूनजी उससे कहने लगती है चलो हम भी मिलकर उनसे फाइट करते हैं, यह जो सिटी है डोंगचिंग वो बहुत ज़्यादा बड़ी है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गोश्त होंगे, और वो भी फाइट करना चालू कर देते हैं। और जो लिन होता है और उनकी पार्टी होती है वो तो ठहरी हरामी नंबर की, और भाई लिन अपनी एक गार उठा लेता और कार में स्पिरिचुअल पावर पेल देता डाल देता है स्पिरिचुअल पावर और चलाकर गोश्त को कुचलना चालू कर देता है और बोले लगता है लिन भैया की गाड़ी आ चुकी है सभी गोश्त तुम्हारी मौत आ चुकी है तुम मारे जाओगे, और वो फुल स्पीड में जा रहा होता है भाई चालान कट जाएगा आराम से। तभी होंगी उससे कहने लगती है लिन थोड़ा आराम से थोड़ा स्लो चलाओ तुम बहुत ज़्यादा तेज चला रहे हो, और सीओ भी कहाँ हार मानने वाली वो भी अपने टेडी बियर्स को और अपनी एक्सप्लोजन पावर को उनको दे देती है और फुल पावर में उन मशीन को चलाना आई मीन जो गाड़ियाँ होती है ना उनको कंट्रोल करते हुए फुल स्पीड में चला रही है और सभी के सभी गोश्त को एक एक करके निपटाना चालू कर देते हैं सभी के सब मिलकर। और रोज और बाकी के सब भी गाड़ी चला ट्रक चला रही भाई फॉक्स मज़ा आ गया, कौन सी गाड़ी है पता नहीं लेकिन हाँ ट्रक चला रही है और रोज अपनी बाइक से सभी को मारना चालू कर रही लगी है, और कहाँ पीछे हटने वाली येलो भैया और अपनी आई मीन येलो जो भी है और गोश्त कल कहाँ पीछे हटने वाली अपना वो शॉपिंग वाली ट्रॉली होती है ना उसे उठा कर लग जाती है लट घुमाना चालू। और जो मोह किंचन होती है ये देखने के बाद एकदम से कंफ्यूज और बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है और बोलती है गाड़ियों में अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल कर फाइट करना ये आइडिया और ये इमेजिनेशन सिर्फ लिन की ही हो सकती है, भाई हमें भी पता है ये टोटे मतलब अजीब तरीके की जो तरीके होते हैं फाइट करने के वो सिर्फ लिन के ही हो सकते हैं और कोई पैदा नहीं हुआ है इस तरीके से फाइट करने के लिए। और मोकिचन उससे कह लगती है सबसे ज़्यादा बुरी और ख़राब बात तो ये है कि तुम लोग मेरे बारे में भूल गए और मुझे फाइट करने के लिए अपने साथ नहीं ले जा रहे हो। और तभी जो कोनिया होती है मोकिंजन के पास आती है मोटरसाइकिल लेकर और उसे कह लगती है मैंने भी एक स्कूटर मोटरसाइकिल ढूंढ लिया है चलो मेरे साथ तुम भी राइड पर चलो, और इस तरीके से प्रपोज कर रहे हैं ना भाई कितना रोमांटिक लग रहा है भाई। और मोकिंजन देख कर सरप्राइज होती है और बोल लगती है एक कोनिया तुम्हें पता भी है कि मोटरसाइकिल कैसे चलाते हैं, और भाई कोनिया कहाँ मारने वाली है अपनी सौ की स्पीड में फुल एक्सीलरेटर मार के भगने लगती है और उसका हाथ पकड़ती है झूम बराबर करते हुए ले जाती है और बोले लगती है अब ये बकवास करने का समय बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है अब जल्दी से मेरे कार में आई मीन गाड़ी में बैठ जाओ और फुल स्पीड में बढ़ पड़ते हैं। लेकिन जो मोकिंचन होती है वो हवा में उड़ती है उसे चिल्लाते हुए कहने लगती है जरा स्लो चलाओ मुझे अभी ज़िंदा रहना है इतनी ज़्यादा इतनी जल्दी मरने का शौक नहीं है मुझे।
और दूसरी तरफ जो डीमन गॉड होता है उसने कई सारे टेलीपोर्टेशन एक्टिवेट कर दिए होते हैं, गेट खुल गए हैं टेलीपोर्ट के, और अपने सभी गोस्ट को ऑर्डर दे रहा होता है कि हमारी जितनी भी रिसोर्सेज है वो बेस्ट कंट्री में पहुंचा दो, और यहाँ ही उन सभी को कंट्रोल कर रहा होता है और बोलना लगता है कि सभी के सभी लोग सावधान हो जाओ, इसमें हमारे सारे के सारे स्प्रिट स्टोन है और कुछ भी टूटना या खराब नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम्हें सजा मिलेगी। तभी उसका एक सबॉर्डिनेट आता है और यांगजी से कहने लगता है, मास्टर यांगजी, जो दिक्सिया के लोग और दिक्सिया की आर्मी है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। और वो लगता है वह लोग सच में इतनी जल्दी पहुंच गए, तो जो डीमन लॉर्ड है वो कहाँ पर है। और तभी उसका सबॉर्डिनेट से बताता है यांगजी को, जो लॉर्ड डीमन गॉड है उन्होंने पहले ही एक पोर्टल खोलकर वेस्टर्न कंट्री में जा चुके हैं, और उन्होंने बताया, उन्होंने बोला है कि आप लोग जो हमारे मास्टर यांगजी, उन्हें बता देना कि जितने भी रिसोर्सेज है वो वेस्टर्न कंट्री में लेकर जल्दी से जल्द पहुंच जाए। ये सुनने के बाद तो उसका मुंह खुला रह जाता है और मन में सोचते वो लगता है, क्या मेरे को डीमन लॉर्ड ने धोखा दे दिया और मुझे अकेले छोड़कर यहाँ पर भाग गया अकेले। और यांगजी फुल गुस्से में उनकी तरफ बढ़ने लगता है, उनकी पार्टी की तरफ मुझे मारने के लिए, और उसे बोलने लगता है, तुम लोग अपने काम पर ध्यान दो और सारे के सारे आइटम को वेस्टर्न कंट्री में पहुंचा दो, मैं अभी आता हूँ उनसे निपट कर। और मन में सोचते बोलता है, जो रिसोर्सेज है वो जल्द से जल्द टेलीपोर्ट करने होंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और इन्हें डिस्कवर मतलब उन्हें खोजने से रोकना होगा मुझे, ताकि दिक्सी की आर्मी हमारे रिसोर्स को ना ढूंढ पाए। मैं उनसे फाइट करने के लिए जा रहा हूँ और उनका जो ध्यान है भटकाने के लिए जा रहा हूँ, इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते। तभी अचानक से हमें सामने एक बहुत बड़ा धमाका दिखाया जाता है, इसको देखकर लिनो लिन की पार्टी सबराज होती है और शियो देखकर वो लगती है, जरा विदर उधर तो देखो वहाँ पर क्या चल रहा है, वहाँ की जो बेलकैनो है वो एकदम से फट चुकी है। तभी लिनो उससे कहने लगता है, इतना ज़्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो हमारे दुश्मन है उनकी चाल भी हो सकती है, यहाँ पर कुछ ऐसे गोस्त होंगे जो कुछ ट्रिक अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं जाकर इन्वेस्टिगेट करता हूँ उस वॉल्केनो को, ऐसा कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि अचानक से वॉल्केनो फट गई। और पीछे से होंगरी और सियो चिल्ला रहे होते हैं, लिन जरा सावधान रहना अपनी सेफ्टी को लेकर। और वेलकोने पर अमर दिखाया जाता है यांगजी को, जिसने अपनी फुल पावर से उसको फोड़ दिया है और उसको तबाह करते हुए वो लगता है, जैसे मैं सारे के सारे वॉल्केनो आसपास के निपटा दूंगा तो उसका जो लावा है वो पूरी सिटी को तबाह कर देगा। और ये देखने के बाद लिन और भी भड़क जाता है और सीधे अपने फुल स्पीड में आता है यांगजी की तरफ और उसे वो लगता है, यांगजी तुमने आखिरकार ये बब्बर मचा ही दिया, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला, और उसके ऊपर एक जोरदार पंच मारता है जिसके कारण यांगजी होता है वो दूर जाकर गिरने लगता है। और बोलता है, तुमने जो ट्रिक करी है वो तुम्हें मैं कभी सक्सेस नहीं होने दूंगा इसमें। और यांगजी अपनी स्वॉर्ड निकालकर उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और मुझे लगता है, मैं तो बस उनका जो डिक्सिया की टीम आर्मी है उनका ध्यान भटकाना चाहता था, मुझे उसकी उम्मीद नहीं थी कि तुम उससे फाइट करने के लिए यहाँ पर आ जाओगे, लेकिन तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, अब मैं अपना बदला तुमसे ले सकता हूँ। तभी जो सिस्टम में वो नोटिफिकेशन दे रखता है और उसे एक नया मिशन दे देता है, पहला ऑप्शन होता है कि यांगजी को यहीं पर हरा दो और बुरी तरीके से पीट कर इसको जीतना, इसके लिए तुम्हें 66 पॉइंट मिलेंगे, और दूसरा ऑप्शन होता है कि यांगजी को यहाँ से जिंदा छोड़ दो और उसकी जो बदले की जो भावना थी उसे त्याग दो, उसके लिए तुम्हें 48 पॉइंट मिलेंगे, और थर्ड ऑप्शन ये है कि कोई ना कोई ट्रिक इस्तेमाल करो यांगजी के खिलाफ और इसे बुरी तरीके से इंजर करो, इसके लिए भी तुम्हें 66 पॉइंट मिलेंगे स्ट्रेंथ के। तो पहला और तीसरा ऑप्शन वो एकदम परफेक्ट है देखा जाए तो। और ये देखने के बाद दिन मन में सोचते हैं वो लगता है, जो सिस्टम ने मुझे थर्ड और फर्स्ट ऑप्शन दिया है वो एकदम एक्चुअली बिल्कुल सेम ही है एक तरीके से देखा जाए तो मैं कुछ भी करूँ बात तो एक ही है। और तो और मैं अगर ध्यान से देखूँ तो जो थर्ड ऑप्शन है इस तरीके से चालाक में अपनी चाल में फंसाना और उसे ट्रिक करना ये बहुत ज़्यादा आसान है मेरे लिए, तो चलिए मैं थ्री ऑप्शन को चुनता हूँ। और अब देखते हैं ये क्या कांड और क्या हरामीपन दिखाने वाला है हमारे लिए भैया, नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। आज के लिए इतना ही एपिसोड, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।